ऐसी लोक रीतियां और धार्मिक मान्यता के समन्वय से उपजी आस्था व प्रतीक है माँ होलिका देवी की विदाई, जिसे बुंदेलखंड में बड़ी पूजा के नाम से जाना जाता है। ये पूजा प्रत्येक 3 वर्ष में जालौन के कोच नगर में बिना किसी जाति मतभेद के सभी भक्तगण शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। ये परंपरा 1913 से आज भी जारी है। इस पूजा के इतिहास के अनुसार 1913 में कोच नगर में एक ऐसी भयंकर महामारी फैली थी, जिससे हालात ऐसे थे कि शमशान में 2 शवों का अंतिम संस्कार संपन्न नहीं हो पाता था कि 4 और शव पहुँच जाते थे। इस महामारी से जनमानस इतना भयभीत हो गया था कि वो नगर छोड़कर अपने रिश्तेदारों व अन्य जगह शरण लेने को मजबूर हो गए थे। तभी एक कन्या ने माँ होलिका देवी का रूप लेकर एक भक्त को दर्शन दिए और कहा कि महामारी को दूर करने के लिए हमारी विदाई करें तो सभी को इस महामारी से निजात मिल जाएगी। तब से ये परंपरा हर तीसरे वर्ष संपन्न की जाती है। शोभा यात्रा बजरिया क्षेत्र के लाला हरदौल मंदिर से प्रारंभ कर नगर के अंतिम छोर पर अवस्थित माँ होलिका देवी के मंदिर की जाती है मंदिर तक जाती है। इस पूजा में तांत्रिक अनुष्ठान भी संपन्न किए जाते हैं। बलि देने की प्रथा भी है। जो महिला माँ के दर्शन करने जाती है वो महिला बिना श्रृंगार किए दर्शन करती है। इस पूजा में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए कोच पुलिस के साथ जनपद के कई थानों की पुलिस व आरपीएफ के जवान भी मुस्तैद रहे हैं। हाँ, ये हमारे यहाँ कोच नगर में 3 साल में पूजा निकलती है माता होलिका देवी की, जो महामारी की बचने के लिए निकाली गई थी। कुछ सालों से चली आ रही है प्रथा। तो मैंने 1.5 क्विंटल का समोसा माँ होलिका देवी के चरणों में समर्पित करने के लिए प्रसाद के रूप में बनवाया है। इसको मैं पहले भोग लगवाऊंगा माँ को, फिर इसके बाद इसको मैं प्रसाद वितरण करूंगा। ये कोंच नगर की ऐतिहासिक पूजा है और 105 साल पुरानी ये पूजा है। इस पूजा का महत्व है, जब कोंच नगर में महामारी बीमारी फैली थी तो पूरे कोंच नगर के लोगों ने माई से प्रार्थना की कि इस कोंच नगर की बीमारी को दूर करो। तभी उनकी पूजा के बाद आज तक इस कोंच नगर में महामारी नहीं फैली है और हर 3 वर्ष के बाद इस पूजा का आयोजन होता है और पूरे कोंच नगर के जन जन बच्चा माताएं बहनें पुरुष और इस नगर का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर कानपुर लखनऊ पूरे देश में कहीं भी होता है तो इस पूजा में शामिल होने के लिए निश्चित आता है। और ये पूजा हरदौल लाला की बजरिया से शुरू होती है और ये पड़री माता होलिका माई के मंदिर तक जाती है। 3-4 किलोमीटर की पूजा रहती है। कोंच नगर का पूरा जनमानस मतलब हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित रहते हैं और विशेषता इसमें यह है कि माताएं कोई भी माता बहन श्रृंगार नहीं करती हैं, खुले बाल घूम आती हैं इस पूजा में और पूजा बड़े श्रद्धा के साथ सब लोग उनका दर्शन करते हैं, उनकी विदाई करते हैं। और इस पूजा का ये महत्व है और उस दिन से आज तक इस कोंच नगर में कोई महामारी नहीं फैली है, इसलिए इस पूजा का महत्व है। ये कोंच नगर में माँ होलिका देवी की भव्य शोभा यात्रा विगत कई सैकड़ों वर्षों पुरानी हिंदू परंपरा के अंतर्गत सभी धर्म के लोग बहुत श्रद्धा और भाव के साथ सैकड़ों वर्षों से इसी रूप में मनाते आ रहे हैं। सुबह पहले माँ का डोला होलिका देवी से होते हुए उनका नई बस्ती में जो पुराना मंदिर है वहाँ पर पहुँचता है। उसके बाद यहाँ की परंपरा के अनुसार महंत जी के यहाँ से उनकी डलिया इत्यादि जो विदाई में सामग्री आती है उन्हीं के यहाँ से आने के बाद विधिवत लाला हरदौल मंदिर से गोखले नगर कोच से ये भव्य माँ की विदाई की यात्रा प्रारंभ होती है, जो इस हिंदू परंपरा के अनुसार विगत वर्षों से ये बहुत भव्य रूप में मनाई जाती है, जिसका प्रमाण ये लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हैं, जिसका प्रमाण स्वयं पब्लिक दे रही है। यहाँ कोई धर्म कोई जाति कोई मजहब आपस में सभी लोग मिलकर ये भव्य माँ की विदाई का कार्यक्रम मनाते हैं। हमारे संवाददाता अनुज पाठक की खास रिपोर्ट।